हेलो फ्रेंड्स तो आज की वीडियो का टॉपिक गैब्रियल आलमेंड है ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और किसी भी पीएचडी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बिकॉज ये रिपीटेड टॉपिक है स्पेशली अगर आप यूजीसी नेट के लास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज़ करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि दस में से ऑलमोस्ट आठ या नौ साल में नौ साल में डायरेक्ट जो है बेसिकली गैब्रियल आलमेंड के किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आया हुआ है तो ठीक है शुरू करते हैं वीडियो को तो गैब्रियल ऑलमेंट के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सोशल सिस्टम का एक सब सिस्टम है और पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसके कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं बेसिकली चार करेक्टरिस्टिक होते हैं एक पॉलिटिकल सिस्टम के और ये क्वेश्चन जो है बेसिकली आया भी हुआ है यूजीसी नेट में पहले तो पहला जो करेक्टरिस्टिक वो ये कि जो हर पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं उसकी कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन होती है नेक्स्ट हर जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसमें एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है बट उसके बावजूद भी जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम हैं वो कुछ फंक्शन जो है बेसिकली वो सेम परफॉर्म करते हैं स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है बट डिस्पाइट जो फंक्शन होता है वो सिमिलर्स होते हैं इसके अलावा हर पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है वो मल्टीपल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है अच्छा नेक्स्ट जो बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम हैव ए कल्चर ऑफ देयर ओन ये ओन मैं लिखना भूल गया हूँ तो आप इसे नोट कर लीजिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम क्या होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंटरडिपेंडेंस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंड्री तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इस इसपे भी क्वेश्चन जो है बेसिकली आ चुका है कि आ, कौन सा जो करेक्टरिस्टिक है वो गैब्रियल आलमंड की जो सिस्टम थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग नहीं है नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आलमेंड एंड वर्बा आलमंड और वर्बा ने बेसिकली एक बुक भी लिखी है टुगेदर सिविक कल्चर तो इसमें इन्होंने तीन टाइप की पॉलिटिकल ओरिएटेशन बताए हैं पहली है काग्नेटिव देन इफ़ेक्टिव एंड इवेल्यूएटिड इसको जो है बेसिकली अरेंज करने के लिए भी आ जाता है तो कागनेटिव क्या है जिसमें नॉलेज और बिलीफ सिस्टम देखते हैं हम लोग कि किसी पॉलिटिकल सिस्टम में क्या नॉलेज है और क्या बिलीफ सिस्टम है फिर क्या है अफेक्टिव ऑरिएटेशन जिसमें हम लोग फीलिंग देखते हैं कि जो लोग हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड क्या फ़ील करते हैं रोल क्या है उसके परस क्या है और परफॉर्मेंसेस क्या है नेक्स्ट है इवेलुएटिव में हम लोग बेसिकली देखते हैं जजमेंट एंड ओपिनियन अबाउट पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव लोगों के क्या ओपिनियन है या लोग किस तरह से जो बेसिकली जज कर रहे हैं नेक्स्ट इनपुट आउटपुट सिस्टम थ्योरी बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल जो फंक्शनल थ्योरी है इसमें चार इनपुट हैं ठीक है फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के आउटपुट एंड देन जो है बेसिकली हम लोग फीडबैक भी देखेंगे तो एक एक करके कर डिटेल में पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनपुट वेरिएबल्स फिर पढ़ेंगे आउटपुट वेरिएबल्स फिर हम लोग पढ़ेंगे इनपुट क्या होते हैं सपोर्ट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है तो सबसे पहले वेरिएबल्स पढ़ते हैं कि इनपुट जो है उसके अंदर क्या क्या वेरिएबल जो है वो होते हैं तो चार बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं सबसे पहला होता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक् रिक्रूटमेंट इसमें हम लोग का देखते हैं सेट ऑफ आइडिया आइडियाज़ एंड बिलीव्स अमंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स देयर पॉलिटिकल सिस्टम कि जो कॉमन मास है वो उसका कैसा एटीट्यूड है या बिलीफ सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम को लेके है ना हर कंट्री में जो सिटीजन्स होते हैं या जो लोग होते हैं वो एक अलग तरीके से अपने सिस्टम के बारे में सोचते हैं तो ये देखेंगे नेक्स्ट है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में क्या हो देखते हैं हम लोग रोल ऑफ ऑर्गेनाइज ग्रुप फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ देयर स्पेसिफिक इंटरेस्ट कि जितने भी ऑर्गेनाइज ग्रुप हैं उनका क्या रोल होता है सोसाइटी के अंदर अच्छा इनपुट वेरिएबल्स को भी आपसे बोल सकते हैं कि आप क्रोनोलॉजी में लगाएं तो सबसे पहले आता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट उसके बाद में आता है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन जो अभी हमने पढ़ा है फिर आता है इंटरेस्ट एग्रीगेशन और फिर है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन ये रिपीटेड क्वेश्चन है आ चुका है पहले भी और इसके अलावा जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है ठीक है जिसमें ऑर्गेनाइज ग्रुप जो हैं बेसिकली वो अपने स्पेसिफ़िक इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं इसके अंदर चार इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर इंस्टीट्यूशनल एसोसिएशनल अनोमिक और नॉन एसोसिएशनल इवन ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो इंटरेस्ट जो है बेसिकली कौन कौन से इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं उसको अरेंज करिए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल आते हैं फिर एसोसिएशनल देन अनोमिक एंड देन उसके बाद नॉन एसोसिएशनल क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अरेंज करने के लिए इसीलिए जितना भी पूरी पूरी पीपीटीज जो है बेसिकली उसे मैंने सिस्टमैटिक तरीके से ही अरेंज किया है तो आप जो है बेसिकली इसी जो है सीक्वेंस में इसको याद भी कीजिए नेक्स्ट है इंटरेस्ट एग्रीगेशन इसमें हम लोग देखते हैं रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ दैट कंबाइन वेरियस इंटरेस्ट तो बेसिकली क्या है पहला क्या है हमने पढ़ा कि जो लोग हैं आम जनता उसका क्या बिलीव्स हैं या क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स देयर पॉलिटिकल सिस्टम फिर हमने पढ़ा कि कौन कौन से ऑर्गेनाइज ग्रुप्स होते हैं जो अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं सिस्टम को अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए बट अब ये जितने भी इंटरेस्ट हैं बेसिकली इन सबको कौन जो एग्रीगेट करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो एग्रीगेट करती नेक्स्ट है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन दिस इज मीडियम थ्रू अदर फंक्शन इन द पॉलिटिकल सिस्टम आर परफॉर्म इट हैज हाइस्ट इंपॉर्टेंस इन डिटरमाइनिंग द डिटर ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम तो ये क्या है लास्ट ये क्या बेसिकली मीडियम क्या है ठीक है जिससे जो अदर जो फंक्शंस है वो परफॉर्म होते हैं तो ये चार चीज़ें हैं चारों का आप ध्यान रखिए कि ये इन चारों इनपुट वेरिएबल आपको याद होनी चाहिए नेक्स्ट है आउटपुट वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं तो ये तीन हैं इनपुट वेरिएबल चार हैं आउटपुट वेरिएबल्स तीन हैं पहला है रूल मेकिंग देन रूल एप्लीकेशन एंड देन रूल एबिजुकेशन तो सबसे पहले मेकिंग पढ़ते हैं रूल मेकिंग क्या होता है इसमें क्या है फॉर्मलाइज द एक्सेप्टेंट पार्ट ऑफ द डिमांड और क्लेम मेड बाई पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेट रिप्रेजेंटेशन तो सबसे पहले क्या होता है अफकोर्स जो लोग हैं वो बहुत सारी डिमांड करते हैं सोसाइटी है, है ना में बट ये सारी जो डिमांड होती है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर सारी की सारी जो डिमांड्स होती है वो फुलफ़िल नहीं होती आगे चल के जब हम लोग पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट को तब तो हम लोग पढ़ेंगे भी सिर्फ वही डिमांड फुलफ़िल होती है जिसको सपोर्ट मिलता है इट मीन्स सारी सारी डिमांड जो है फुलफ़िल नहीं होती है तो यहाँ पे हम लोग बात करें फॉर्मलाइज द एक्सेप्टेड पार्ट जो पार्ट एक्सेप्टेड किया गया है उसकी बात यहाँ पे चल रही है फिर क्या है रूल एप्लीकेशन है इसमें क्या है हम लोग जो रूल्स होते हैं उसको एक्चुअल प्रैक्टिस में लेकर करते हैं रूल बन गए अब रूल जो बेसिकली बन गया अब उसको हमको एक्चुअल प्रैक्टिस में लेकर आना है नेक्स्ट है रूल एबजुडिगेशन रूल एबजुडिगेशन जो है बेसिकली इसमें क्या होता है जो कोर्ट्स हो गए, ट्रिब्यूनल्स हो गया और जो जुडिशियल बॉडीज हो गई ठीक है ये जो है बेसिकली इन्फ्लुएंस करती है स्ट्रक्चर को केस ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन ठीक है नेक्स्ट है इनपुट इनपुट क्या होता है आउटपुट क्या होता है और फीडबैक क्या होता है तो अभी हमने देखे थे वेरिएबल्स ठीक है ज़्यादातर आप देखोगे कि जो क्वेश्चन है वो इनपुट आउटपुट से भी ज़्यादा इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल पे आता है तो ये थोड़े से ज़्यादा अच्छे से याद करना सीक्वेंस में बाकी पता तो ये भी होनी चाहिए इस पर भी क्वेश्चन जो, जो है वो देखा गया बट मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो वेरिएबल्स पर पूछे गए हैं नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट और फीडबैक तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनपुट क्या है आलमंड के अकॉर्डिंग तो इनपुट इनपुट को उन्होंने बताया है कि रिफर्स टू द डिमांड मेड बाय द पीपल हु प्ले देयर रोल इन द पॉलिटिकल सोसाइटी तो इनपुट्स क्या है सारी की सारी डिमांड्स जो लोग पॉलिटिकल सिस्टम से करते हैं तो चार डिमांड्स जो हैं बेसिकली आलमिन ने बताई हैं सबसे पहले डिमांड उन्होंने क्या बोली है गुड्स और सर्विसेज को लेकर के गुड्स और सर्विस जैसे कि वेज हो गया एजुकेशनल है ना अपॉर्चुनिटीज़ की डिमांड करना हो गया या रोड्स हो गया तो ये क्या है या तो हम यहाँ पे किसी गुड्स की डिमांड कर रहे हैं ठीक है या हम किसी वेज की मतलब या तो हम किसी सर्विस की डिमांड कर रहे हैं नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर इसमें क्या है बेसिकली हम लोग रेगुलेट करना चाहते हैं बिहेवियर को जैसे पब्लिक सेफ्टी हो गई है ना हेलमेट पहनना चाहिए या बेसिक जो लॉज होते हैं ना पब्लिक मतलब रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर से रिलेटेड देन है मैरिज़ से रिलेटेड रिलेटेड या डाइवोर्स से रिलेटेड जो है बेसिकली लॉज होते हैं नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन से रिलेटेड जो डिमांड्स होती हैं डिमांड फॉर पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम जैसे कि राइट टू वोट या फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने का पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करने का ये क्या है पॉलिटिकल तो अभी मैंने तीन चीज़ें बोलिए पहली क्या है गुड्स एंड सर्विस दूसरी क्या है रेगुलेशन ऑफ़ बिहेवियर एंड थर्ड क्या है पार्टिसिपेशन नेक्स्ट है जो सिम्बॉलिक इनपुट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल इस तरह की कोई डिमांड जो बेसिकली एक डिस्प्ले करती है किसी मजेस्टी को तो ये सिम्बॉलिक होते हैं तो चार हो गए हैं टोटल इनपुट सॉरी डिमांड्स नेक्स्ट है सपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर जो डिमांड होती है उसको फल फुलफ़िल नहीं किया जाता सिर्फ वही डिमांड जो है बेसिकली फुलफ़िल होती है जिनको सपोर्ट जो है वो मिलता है तो किस 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 तरह का सपोर्ट मिलता है पहला है मटेरियल सपोर्ट जैसे कि आप टैक्सेस पे कर रहे हो तो इस तरह से सपोर्ट मिलता है नेक्स्ट सपोर्ट क्या है कि जो लोग हैं सिटीजनस हैं वो ओबे कर रहे हैं रूल्स को एंड रेगुलेशन को नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन सच एज वोटिंग एंड ज्वाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन तो ये आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस तरीका है सपोर्ट करने का और मैक्सिमम आपको ये देखने को मिलेगा कि इसी तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो वोट वोट को पाने के लिए आप कह सकते हो बहुत सारी पॉलिसीज़ को लागू करती है तो ये सपोर्ट मिलता है इस तरीके से नेक्स्ट है मैनिफेस्टेशन ऑफ डेफरेंस टू पब्लिक अथॉरिटी कभी कभी क्या हो जाता है बेसिकली जब लोग जो हैं बेसिकली वो डिनाइल मोड पर आ जाते हैं जब उनको लगता है कि उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही है जो बहुत बेसिक नीड्स हैं तब जो लोग हैं वो क्या करते हैं वो जो पब्लिक लॉज होते हैं अथॉरिटीज़ होती है, है उनके रूल्स को मानने से इनकार कर देते हैं और ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करता है बिकॉज ये प्रोटेस्ट में स्ट्राइक्स में या इन सब में हमको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट है आउटपुट तो आउटपुट भी चार तरह के होते हैं तो चार तरह की डिमांड चार तरह का सपोर्ट और चार तरह का आउटपुट्स तो पहला क्या है एक्सट्रैक्शन विच मेक विच मे टेक द फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट और टैक्सेस तो पहला क्या है किया जा रहा है क्या टैक्सेस को या ड्यूटीज को नेक्स्ट क्या है लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट किया जा रहा है जैसे अभी हमने पढ़ा था ना डाइवोस मैरिज इस तरह से लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट किया जा रहा है नेक्स्ट है एलोकेशन ऑफ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑपर्चुनिटी स्टेटस तो ये गुड एंड सर्विसेज से रिलेटेड है और नेक्स्ट है सिम्बॉलिक तो ऑफकोर्स आपने देखा होगा बहुत क्लियर जो है वो कनेक्शन है इनपुट्स uh, और आउटपुट्स के बीच में नेक्स्ट है फीडबैक तो ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू आलमंड क्या होता है बेसिकली जैसे डेविड ईस्टन ने भी बोला था कि पहले क्या होता है किसी भी एक पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसके अंदर एक इनपुट आता है फिर जो इनपुट बेसिकली क्या है जो लोगों की डिमांड्स है दैट इज़ इनपुट अब इनमें से वो डिमांड्स जिसको सपोर्ट मिल पाता है वो डिमांड जो है बेसिकली फुलफ़िल हो जाती हैं और वो जो है बेसिकली आउटपुट प्रोड्यूस करती है अभी आउटपुट क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन तो इनपुट क्या है बेसिकली डिमांड्स आउटपुट क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन है ना रूल्स एंड पॉलिसीज़ फिर क्या होता है ये जो आउटपुट होता है ये इन्वायरमेंट में जाता है ठीक है फीडबैक एक आता है कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है जिसको लोग फेवर करते हैं कुछ लोग ऐसी होते हैं जिनको अपोज करते हैं फिर इस तरह से जो बेसिकली एक न्यू डिमांड क्रिएट होती है सिस्टम में और एक ये न्यू इनपुट की तरह जो है वो काम करती है देन न्यू आउटपुट होता है तो ये जो साइकिल है वो चलती रहती है तो फीडबैक क्या है कम्पलीट द साइकिल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम दैट मेक्स इट ए डाइनमिक एंड रीजनरेटिव ऑपरेशन तो ये क्या है एक साइक्लिक प्रोसेस को पूरा करता है एंड देन दोबारा से एक पूरे सिस्टम में जो न्यू डिमांड्स की शुरुआत हो जाती है बेसिकली फीडबैक करता क्या है एग्जैक्टली फीडबैक बेसिकली हमें बताता है कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है उसमें कितना डिफरेंस है फिर उस हिसाब से एक नई साइकिल शुरू होती है तो अभी खैर बहुत है ना ज़्यादा है ऑफ कोर्स पीपीटी तो पूरी अभी ख़त्म नहीं हुआ है जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके ऊपर बाद में सिविक कल्चर पे बना दूंगा अभी है आगे और तीन तीन चार स्लाइड्स हैं तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे सिविक कल्चर को जो आलमेंड और उनकी बुक्स भी हैं कई सारी गैब्रियल आलमेंड की तो उनको भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है और आप सेकेंड पार्ट भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी